नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रेगांव कांग्रेस गरीब गरीब करती रही लेकिन कभी गरीबी दूर नहीं की, शिवराज सिंह चौहान। रेगांव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयादशमी के दिन से उपचुनावी क्षेत्र सतना जिले के रेगांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प ध्वज को फहराकर चुनावी संकदान का बिगुल बजा दिया है। रेगांव विधानसभा के ग्राम सुहावल में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भाजपा प्रत्याशी प्रमिला बागरी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने की अपील करते हुए कहा कि आचार संहिता होने के कारण मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन दिल में संकल्प है कि मामा इस क्षेत्र में आया है तो सोहवाल, सुबोला, बाबूपुर और विधानसभा के गांव की तस्वीर नहीं बदली तो मामा के आने का मतलब ही क्या। उन्होंने कहा कि चिंता ना करना, 30 तारीख को वोट डलेंगे और 2 तारीख को गिनती हो जाएगी, उसके बाद सरकार आपकी होगी, विधायक आपका होगा और क्षेत्र की सभी समस्याएं आपका मामा दूर करेगा। मैं आप सभी से अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आपकी बेटी प्रमिला को विजयी बनाए, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार आपकी सभी समस्याओं का निदान करेगी। भोपाल से संवाददाता दीपक बर्थे की रिपोर्ट।